दोस्तों करने वाले हैं बॉलीवुड की बेहतरीन तो कैसी, कैसी बात हैं की करने वाले। तो दोस्तों टू, जिसे टू, बैक इन के नाम से भी जाना जाता है धूम टू के रूप में भारतीय भाषा की डकैती एक्शन एक्शन फिल्म है जो संजय गढ़वी द्वारा और विजय कृषा द्वारा लिखी थी कहानी के निर्माता आदित चोपड़ा है और जिन्होंने फिल्म के बहन ते तीन मिलियन के अनुमति बजट पर मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसराय स्वरा राय पासा बासु और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जेनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभ शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्तौर अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी जो भी इसे आलोचकों से सकारात्मक ने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूस का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मूँ स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुझे देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय सौरा राय पासाबासू हर उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राजील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यशोज चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमशा दो अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब चीज और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया या सु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्ति पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय राया बासु और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी जस चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसाजय अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने तो इसके एक्शन साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ व खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए डकैती में अंतरनहित प्रमित्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर... और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है। जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों तो के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुंह क्या होता है मूव स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुंह की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रहते सोरा राय और अरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय दीक्षित अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसराज यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी रिलीज पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक ट्रैक्सोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलोचका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरन प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निश्चर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन राय रोसने बासु और हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे रिलीज़ों से सकारात्मक समीक्षा मिली इसके एक्शन साउंड ट्रैक मेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और, तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगाते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंता एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की उसे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसरा सौरा राय पासा बासु और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जेनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह छह तो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब, अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी एक जो भी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रैक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूस का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी इला द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ हवा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मूँ स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुझे देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय पासाबासू और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राजील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमशा दो अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब चीज और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया या सु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपुर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्ति पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वैसे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय पासा बासु और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी जस चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने सा दोस्त पुलिस अजय क्रमसाजय अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सबसे अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ व खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए डकैती में अंतरनहित प्रमित्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है, जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों तो के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है, है? इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रहते सोरा राय पिपासा बासु हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय अली दो खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसराज यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपचीन्स और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी रिलीज पर इसे आलोचकों से सकारात्मक मिली जो है इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक ट्रैक्सम्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलोचका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरन प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निश्चर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन राय रोसने बासु और हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह छह तो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी जो भी इसे रिलीज़ों से सकारात्मक समीक्षा मिली इसके एक्शन साउंड ट्रैक ट्रैक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूचना इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंता एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसरा सौरा राय पासा बासु और हृदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जेनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभ शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूस का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी इला द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस दे दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्वाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मूँ स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुझे देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसने स्वरा राय पासा बासु और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की आ, दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमशा दो अली खान के रूप में आ, अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब चीज और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया या सु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्ति पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वैसे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुंह क्या होता है मूव स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूव की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय राया बासु और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी जस चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय दीक्षित अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों तो के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ व खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनहित प्रमित्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वे समय में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुंह क्या होता है मूव स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुंह की स्टोरी इस मुझे चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रहते सौरा राय पिपासा बासु हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय और अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसराज यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपचीन्स और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी रिलीज पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जो है इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रैक्सम्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलोचका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरन प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निश्चर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन इतने बासु और हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेख बच्चन उदय चोपड़ा ने अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसरा, यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे रिलीज़ों से सकारात्मक समीक्षा मिली इसके एक्शन साउंड ट्रैक मेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूच उसका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगाते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंता एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की उसे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुँह को देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसरा सौरा राय पासा बासु और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जेनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और आ, है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभ शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी अब विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूस का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से पीड़ते हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्वाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मूँ स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुझे देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे से पे रायसा बासू और उदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राजील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यशोज चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमशा दो अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब चीज और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया या सु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी जो पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक सिनेमेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जैको पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्ति पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय सोरा राय और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय दीक्षित अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सबसे अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी जो भी पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ व खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए डकैती में अंतरनहित प्रमित्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और, तर... और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस मुझे चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रहते सोरा राय पिपासा बासु पड़ा और हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय दीक्षित और अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसराज यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपचीन्स और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी रिलीज पर इसे आलोचन से सकारात्मक जो है इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रैक्सम्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलोचका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निश्चर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है, जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वैश्य में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या है तो मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रोशन रोसरा राय बासु और उदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब, अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं से ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी जो इसे रिलीज़ों से सकारात्मक समीक्षा मिली इसके एक्शन साउंड ट्रैक मेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूच उसका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक से मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंता एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुँह को देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसरा सौरा राय पासा बासु और हृदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जेनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभ शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा जी ने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रैक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूस का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी इला द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमोत्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्वाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मूँ स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुझे देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसने स्वरा राय और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय दिशा अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब चीज और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया या सु तो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब आ, अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जो इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक सिनेमेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोहोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जैसे पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्ति पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय सोरा राय और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसाजय अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इस पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ व खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरनहित प्रमित्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुंह क्या होता है मूव स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुंह की स्टोरी इस मुझे चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रहते सोरा राय पिपासा बासु और हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय अली दो खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसराज यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी रिलीज पर इसे आलोचों से सकारात्मक मिली जब इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक ट्रेसोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलोचका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरन प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निश्चर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन इतने बासु और हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह छह तो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब, अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं से ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी जो भी इसे रिलीज़ों से सकारात्मक समीक्षा मिली इसके एक्शन दर्शन साउंड ट्रैक मीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूच का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंता एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस मुँह को देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसराय स्वरा राय बासु और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जेनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभ शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी जो भी इसे आलोचकों से सकारात्मक ने इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक ट्रक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूस का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से पीड़ते हैं। और भाग जाते हैं एस दे दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगाते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों तो के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मूँ स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुझे देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय सोरा राय पासाबासू हर उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राजील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमशा दो अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब चीज और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया या सु तो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब आ, अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जैसे पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्ति पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुंह क्या होता है मूव स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूव की स्टोरी इस देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय राय बासु और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसाजय अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब जीस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सबसे अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इस पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें इसमोह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ व खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए डकैती में अंतरनहित प्रमित्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है, जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों तो के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है, है? इसी प्रकार से की स्टोरी इस मुझे चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रोशन सौरा राय और अरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और सब है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय दीक्षित और अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसराज यसरा, यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी रिलीज पर इसे आलोचों से सकारात्मक मिली जब इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक ट्रैक्सोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलोचका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निश्चर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है, जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या है तो मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी इस को देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन इतने रोसरा राय और हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेख बच्चन उदय चोपड़ा ने अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसरा, यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे रिलीज़ों से सकारात्मक समीक्षा मिली इसके एक्शन साउंड ट्रैक ट्रैक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंता एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मुँह स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुँह को देखना चाहते तो आप

मनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रिति रोसरा सौरा राय पासा बासु और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जेनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेप जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा जी ने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक ट्रैक्शन और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलूस का इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहा खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नव पद्मोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनिहित प्रमोत् का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट पर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जो हमें जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस अतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्व पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक करता की वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुँह क्या होता है मूँ स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुँह की स्टोरी मुझे देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय पासा पासु और उदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राजील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी ये यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अब शेख बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमशा दो अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब चीज और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह या सुबह तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब आ, अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपुर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए को डैती में अंतरनहित प्रवित्री का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जैको पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमे मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर एट ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती है जिसने टीवी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्ति पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केटबॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें रियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय जै के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वे समय में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मूवी क्या होता है मूवी स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मूवी की स्टोरी इस मुको देखना चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अब से एक बच्चे रहते राय राया बासु और हृदय चोपड़ा है दुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और है और धूम श्रृंखला की दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रम क्रमसा पुलिस अजय दीक्षित अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यशराज फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेब जींस और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और विदेशी बाजारों में सातवें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके एक्शन दर्शकों साउंड ट्रैक वीटोग्राफी और कलाकारों तो के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन उसका इसकी गति लेखन और निर्देशन थी बात करें की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहाँ व खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए डकैती में अंतरनहित प्रमित्र का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक छमेश मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर... और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन मनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली जहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेज़ी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करके उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वे में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गया तो आगे मुंह क्या होता है तो मूव स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुंह की स्टोरी इस मुझे चाहते तो आप

बनाने वाली फिल्म का निर्माण किया फिल्म में अभिषेक बच्चन रहते सौरा राय पिपासा बासु हरदय चोपड़ा है धुमटू की शूटिंग मुख्य रूप से भारत और डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई थी जो ब्राज़ील में शूट होने वाली पहली बड़ी फिल्म थी यश चार की फिल्म धूम की अगली कड़ी के रूप में काम करती और की है और धूम श्रंखला किया दूसरी मूवी है अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा ने क्रमसा दोस्त अजय और दो अली खान के रूप में अपने भूमिकाओं को दोहराया है यसराज यसरा 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 फिल्म ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपचीन्स और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया था धूम टू का प्रीमियर चौबीस नवंबर दो को भारत में हुआ था जहाँ इसे अठारह सौ से अधिक पिंडों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली थी और 1.5 बिलियन से अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया यह तो छह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और सब अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी या विदेशी बाजारों में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी थी रिलीज पर इसे आलोचों से सकारात्मक मिली जो है इसके एक्शन दर्शक साउंड ट्रैक ट्रैक्सम्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से रोशन की प्रशंसा की लेकिन आलोचका इसकी गति और लेखन और निर्देशन थी बात करें समूह की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलता है नबीम रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काई डाइव करते हैं जहां वह खुद को रानी का भेस बनाकर उसका ताज चुरा लेते हैं उसके गुंडों को आसानी से पीटते हैं, से हैं। और भाग जाते हैं एस पी दीक्षित और नवपदमोत्र एस आई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जाँच के लिए नियुक्त कर लिए एक नियुक्त किए और एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है जो जय कपूर सहपाठी भी है पारंपरिक जांच के बाद जय मिस्टर ए और डैती में अंतरनिहित प्रमेतृत् का विश्लेषण करता है और निष्कृष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के दो प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी जय जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है जहाँ एक मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है जब वह एक उड़ान पर पकड़ने वाला होता है तो मिस्टर ए टी वी पर देखता है कि कोई और खुद को होने का दावा करते हुए पुलिस को चुनौती देता है और कि वह एक प्राचीन योद्धा की तलवार को चुरा लेगा जवाब में जय बोस और तर, और खान तलवार के स्थान पर सख्त बड़ा पहरा लगा देते और रात में मिस्टर ए की मुलाकात असली चोर से होती जिसने टी वी पर दावा किया था कि उस कमरे में जिसके पास तलवार है पुलिस सतर्क हो जाती है लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और भागने में वे सफल हो जाते हैं सफलता पूर्णता से नाली निकली एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है सुनहरी मिस्टर ए को गठबंधन बनाने के लिए मनाती है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है दोनों के बीच बास्केट बॉल खेल के बाद मिस्टर ए अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए हो गए हो जाते हैं और रियो डी जिन्हें में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया जय और अली शहर की यात्रा करते हैं वहाँ उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है जो केवल अंग्रेजी बोलती है और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाते हैं बाद में सोनेरी जैसे मिलती है और चर्चा करती है कि मिस्टर की उसके और मिस्टर ए के बीच जैसे चीज़ें कैसे चल रही हैं जिससे पता चलता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय जेल से उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के उसका उपयोग कर रहा है मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने के लिए कि उसकी अगली योजना क्या है वह उसे पकड़ सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सुनहरी को उस पर संदेह होने लगता है मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और मिस्टर ए उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह के बारे में बताता है हालाँकि रियो कार्निवाल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता की वैश्य में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूम रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है और सुनहरी रोती है और उसे गोली मारने से इनकार करती है लेकिन आर्यन उस उसे खेलने के लिए मजबूर करता है उसे खेलने के लिए मजबूर करता है और छः बार गोली चलाने के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मर गा तो आगे मुँह क्या होता है मूव स्टोरी क्या है इसी प्रकार से मुंह की स्टोरी इस मुझे देखना चाहते हैं तो आप एमोजन प्राइमिटर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं इसमें रेटिंग टेन आउट ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव